तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि फिलहाल में जम्मू कश्मीर में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय को लेकर के हड़ताल जारी है। तो इसी में एक वीडियो सामने में आया है जिसमें कि आशा कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि आप लोग हर बार सड़कों पे उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार आप लोग को आश्वासन देती है उसके बाद हड़ताल तोड़ देते हैं, तो क्या इस बार भी वैसा होने वाला है? तो आशा कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया और उनके जो टीम मेंबर है, टीम लीडर है, उन लोगों ने जवाब दिया कि इस बार जब तक 26,000 रुपये मानदेय लागू नहीं होता तब तक हम सड़कों से हटेंगे नहीं और हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला वीडियो दिखाते हैं। मेरा नाम बरकत अली है। किस कारण जो है आज इतना हजूम जो है आया है, क्या डिमांड है? मेरा नाम बरकत अली है, मैं नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट का जिला सदर हूँ। हमारे नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के रियासती सदर महमूद गुफोटार हैं। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आशा वर्करों की समस्या बहुत बड़ी हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त आशा वर्कर जागी हैं। इनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। इनको जो इंसेंटिव मिलता है वो बोल रही है कि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें सैलरी चाहिए। तो आपकी माध्यम से हम गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं कि आशा वर्करों को अपना हक दिया जाएगा, क्योंकि सैलरी इनको बहुत कम है। हम चाहते हैं कि इनको कम से कम 26,000 सैलरी मिलनी चाहिए। जब तक वेजेस एक्ट बनेगा तब तक इनको 10,000 तक मिलनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी माएँ बहनें हैं ये, और यही माएँ बहनें बच्चा देती है वही संतरी भी बनता है, मंत्री भी बनता है। तो कम से कम इनको एहतराम से हमें बात करनी चाहिए, इनको जो इनका जो हक है वो दिया जाए, ताकि अगर आशा वर्कर अगर इनको हक नहीं मिला तो आइंदा के लिए ये सड़कों में उतरेंगे और बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट इंतजामिया पर होगी। कोई मुकम्मल चीज कैसे इस पर होगी, क्या सोचे उसके? अब मुकम्मल यही है कि आशा वर्करों ने तैयार किया है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगी, हम जब तक हमारी सैलरी 26,000 तक नहीं मिलेगी तब तक हम ये रुकने वाले नहीं है। और इन्होंने आज से ही ऐलान कर दिया कि हड़ताल पर हम बैठेंगे, लेकिन नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के जो कायदे कानून है वो कह रहे हैं कि आप पहले हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे, इंतजामिया को हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो आशा वर्कर फिर सड़कों में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट इंतजामिया से। लालीपॉप बोला सर आपने, लालीपॉप देंगे वो, हाँ सच्ची बात है, हम खाएंगे छुपेंगे बैठेंगे मीठा लादा, अच्छी बात है। काम बढ़ा रहे हैं, काम पे काम, काम पे काम। आज हम इसीलिए प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, हमें अब इंसेंटिव पे काम नहीं करना है, हमें सैलरी पे काम करना है, हमें सैलरी चाहिए। अब ये नहीं जुबान से वो बोलेंगे तो हम मान लेंगे, अब वो रिटर्न में लिख के देंगे, रिटर्न में देंगे कि आशा वर्कर की सैलरी 26,000 है, तो हम काम करेंगे, हम काम करने के लिए तैयार है। दिन रात हमने नहीं देखा, हमने हर काम किया। जब भी इन्होंने बोला आशा वर्कर काम करेगी, आशा वर्कर हाजिर हो, आशा वर्कर हाजिर। किस काम के लिए आशा वर्कर पीछे रह गई, हर काम के लिए आशा वर्कर आगे है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी आवाज सुने, हमारी बात सुने और 26,000 कम से कम 26,000 है, जिससे आशा वर्कर अपना चूल्हा जला सके, अपने बच्चों का पेट भरे, अपने बच्चों को पेट भरकर खाना दे सके। ये देखे कि आज महंगाई कितनी है, अगर भीख अगर हम कटोरा पकड़ के सड़कों में भीख भी मांगेंगे, एक एक रुपया वो उसमें डालेंगे तो हम दिन का कम से कम 4-5 हजार रुपए करेंगे, और वो हमें कितना इंसेंटिव देते हैं 2,000, वो उसमें भी 2,000 हमें पूरा नहीं आता है, उसमें भी 2,000 में से काट लेते हैं, अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ उसमें भी कट जाता है पैसा। मगर सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने भी, आशा वर्कर अपना चूल्हा कैसे चलाती है, वो घर का काम कब करती है, वो हमारे साथ इतना डीलिंग कब है उनकी, वो इतना काम गांव में कब जाती है। पहले सरकार देखे आए कुर्सियों पे बैठ के सरकार चलानी आसान होती है, गांव में पहाड़ियों पे घूमे देखे कि आशा वर्कर कहाँ जाती है और किन किन पहाड़ियों में चलती है। आशा वर्कर के जूते टूट जाते हैं, आशा वर्कर रात को पैरों में पता नहीं कितने कितने कांटे चुभते हैं, मगर आशा वर्कर पीछे नहीं हटती। एक आशा है, एक उम्मीद है लोगों के लिए, लोगों की एक आशा है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट हमारे साथ बेइंसाफी कर रही है, गवर्नमेंट आशा को निराशा दे रही है। उसने सोचना चाहिए कि जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जिसकी सैलरी लाखों के हिसाब से है, वो डबल ट्रबल हो जाती है, ये नहीं सोचते कि आशा कैसे काम कर रही है। आशा के बारे में भी सोचना चाहिए, हर काम आशा के सर पे, तहसीलदार डीसी पुलिस वाले आर्मी वाले हर जॉब होता है, जो भी आता है तो आशा को बुलाओ, कितनी सर्वे है, कितने बच्चे हैं, कितने गोल्डन कार्ड बनाने हैं, कितनी वोटिंग लिस्टें बनानी है, कितने काम रह गए पीछे, कितने 10 साल का
कितने जीरो से तीन महीने का, कितने तीन से चार साल का, कितना चार से दस साल का, वो डेटे हमसे लेनी है। और फिर क्या देते हैं, वही दाम कितना 2000, वो भी पूरी 2000 नहीं मिलता है, उसमें भी हमारा पैसा कट जाता है। हम चाहते हैं, हमारी एक ही मांग है, हमें चाहिए सैलरी पर मंथ, जो हमें सैलरी देगा, जो पर मंथ हमारे साथ काम, जो जितना हमें काम दिया जाता है, अगर उतना काम हम अपना नोट करके लिखे तो लाख रुपया हमारा पर मंथ का बनता है। हम चाहते हैं कि वो लाख रुपया वो नहीं दे सकते, गवर्नमेंट हमारी गरीब है, फजूलू में खर्चे करती है गवर्नमेंट, ये नहीं देखती हर गांव के लिए पंचू सरपंचू के खाते में कितना कितना पैसा डालती है। ये कभी गवर्नमेंट ने सोचा कि वहां रास्ते भी है चलने के लिए? आशा को पूछो, आशा लीडर है, हर गांव में जाती है, हर गांव में काम करती है, रास्ते चलने के लिए नहीं है। हम यही चाहते हैं, जितना पैसा इधर डालते हैं वो डाले, हमारे खातों में डाले, हमें सैलरी दे दें। हम चाहते हैं 26,000 रुपए जो है हमारी मांग है, वो सबसे कम 26,000 रुपए, जिससे हमारा चूल्हा चले। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। तो कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में आशा वर्कर जिंदाबाद लिखना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।